उन पर कड़ाई से कार्रवाई करें। धन्यवाद। श्री राजकुमार रोत महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का जो अवसर दिया, मैं उस शख्स की बात करना चाह रहा हूं जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे राज्य और पूरे देश का नाम रोशन किया था, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आते थे, जो तीरंदाजी में दक्ष थे, जो लिंबाराम जी जो वर्तमान स्थिति में गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्होंने अपने जीवन में उनको कहीं भी किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। अपने स्तर से, अपनी काबिलियत से वो आगे बढ़े और उनको सहयोग मिला और पूरे देश का नाम रोशन किया। आज वो दिल्ली में भर्ती हैं। 6-7 महीनों से वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उनको एक न्यूरोडिजेनरेटिव नामक बीमारी हुई है और उनके ब्रेन में दिक्कत है। उनके लिए एक जीवन रक्षक इंजेक्शन, डॉक्टर ने बताया कि ये इंजेक्शन उनको देना अति आवश्यक है, लेकिन 2 से 3 माह हो गए हैं, ये इंजेक्शन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मेरा विशेष आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनकी जो बीमारी है, उस बीमारी का जो इलाज है, वो सरकार अपने स्तर से कराए। क्योंकि एक ऐसा समय था जब उनको देश विदेश में इनकी डिमांड थी। कई ऐसे देश थे जो उनको चाह रहे थे कि वहाँ पर वो कोचिंग दे, और कई ऐसे राज्य थे वो भी चाह रहे थे कि अपने वहाँ पर कोचिंग दे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे देश को दूंगा, और देश में भी सोचा कि मेरे राज्य के लोगों को दूंगा, और उन्होंने अपने राज्य में और अपने क्षेत्र में फ्री में सेवा दी। लेकिन आज 6-7 महीने हो गए, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। तो विशेष आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनको ये राज्य सरकार इस बीमारी का जो खर्चा है वो वहन करे और उनका इलाज करवाए। धन्यवाद। दक्ष महोदय 295 नारायण बेनीवाल।